हेलो मेरे नौजवान दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आशा उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल में होगा, मम्मी पापा खुशहाल होंगे और तुम जिंदगी में कुछ करने के लिए परेशान होगे। तो भाई आज का मेरा एक नया टॉपिक है। मैंने देखा काफ़ी चीज़ें जो चल रही है आजकल में, एक बड़ी ही न्यूज़ वायरल हो रही है। वो वायरल हो रही है बिल्डोजर बाबा। बिल्डोजर बाबा का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि पटना के हाईकोर्ट में एक केस आया। वो केस ये आया, किसी बंदे ने जो भी गलती करी उसकी सजा उसके परिवार वालों को दी जा रही है। उसका घर तोड़ करके, जो घर तोड़ करके दी जा रही है उसका नतीजा ये निकल रहा है, जज साहब गए भड़क और बिल्कुल सही भड़के हैं जज साहब। जज साहब ने कहा है भाई जो भी पुलिस है ये करप्ट है, जो भी CEO वो करप्ट है, जो भी वहाँ के लोकल JEE है, इन सब ने मिलके उस गरीब आदमी का मकान गिरा दिया। जिस बंदे ने क्राइम किया उसको सजा ना मिल करके उसके पूरे परिवार को सजा दी जा रही है। तो थोड़ी सी आगे क्लिप है वो देखिए पहले, आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये इवन व्हाट्सएप बुलडोजर ये कराया गया है। बुलडोजर पेज नंबर 21 पर व्हाट्सएप फोटो है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिया इसका? तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा जस साहब कितने गुस्से में और कितनी जल्दी-जल्दी काम करने के मूड में है ये। अभी देखिए जज साहब ने जो कहा है, जज साहब ये कह रहे हैं, जज साहब पुलिस की जेब से जो उसका IO था, जो उसका CEO था, उस केस में जो भी इन्वॉल्व थे, जो भी पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व था उस केस में, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो उनकी जेब से पैसे निकलवा करके उस प्लेंटिफ को देंगे। अब वो प्लेंटिफ जो है उससे अपना घर बनाएगा, जो भी उसका नुकसान हुआ, जो भी हानि हुई है, और प्लस पुलिस के ऊपर FIR दर्ज करने को जज साहब ने ऑर्डर दिए हैं। अब जज साहब उस पुलिस वाले के ऊपर केस चलाएंगे अपने, उसमें चाहे वो लाइन हाजिर होगा, सस्पेंड होगा, जो भी है, वो आगे तो लीगल फॉर्मेलिटीज है जो अपने हिसाब से कोर्ट करेगा। बाकी अब पूरी क्लिप देखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। ये काउंटर एफिडेविट का लिखिए, फ्रॉम लिखिए काट दीजिए। फ्रॉम रीडिंग ऑफ द FIR काउंटर एफिडेविट ऑफ द SHO इट सीम्स दैट ऑल द ऑफिशियल्स आर हैंड इन ग्लव्स विद सम लैंड माफिया एंड दे हैव इलीगली डिमोलिश द हाउस ऑफ द पिटिशनर विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का, कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर एक FIR भी दर्ज कर दिया। बहुत अच्छे, FIR नंबर दीजिए, अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना आप दीजिए, बताइए। आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू नॉट टू ट्रबल यू। It has been further submitted by the Learned Counsel for the petitioner that a false case has been registered by the police against the petitioner and his family members to pressurize them to vacate the land at the instance of land mafias who are respondents, private respondents in this case. The further proceedings of FIR of Agam Kuan Police Station PS case number 800 1 of 2022 shall remain stayed and the police is restrained from arresting the petitioner and his family members who are accused in that case. Aur kuch? 5-5 lakh sabse hum dilwayenge inko. Ghar todne ka muawja personal pocket se. जनता दरबार, अब पुलिस और CEO मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। आ गया SHO का, आप सप्लीमेंट्री देना है और सबका बारात लेकर आइएगा आप। हाँ जी, तो जैसे कि आपने सारी की सारी पूरी क्लिप देखी, इसमें जज साहब कितने ही गुस्से में रहे और कितना ही वो एग्रेसिव है अपने काम को लेके, अपने कितने काम को अपने अहमियत दे रहे हैं, और जज साहब जितने भी जस्टिस जितने भी हैं वो अपने काम को बहुत अहमियत देते हैं और दे भी रहे हैं। पर इन जज साहब को भी बहुत हर्ट हुआ उस बंदे के बारे में सोच के, जो बंदा आया था उसके बारे में, कि भाई उसके किसी परिवार ने, कोई परिवार के किसी लड़के ने या लड़की ने जो भी गलती की हो उसकी सजा किसी बंदे के परिवार को क्यों मिलेगी। जैसे ही व्यक्ति ने जज साहब के सामने कहा कि जज साहब बिल्डोजर से मेरा घर तोड़ दिया, जज साहब उसके बाद अपने
रुख में आए और उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया और बातें करना शुरू की, ऑर्डर पे ऑर्डर देना शुरू किया। और जो भी CEO थे, SHO थे, IO इन्वेस्टिगेशन ऑफर थे, सब पे 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की उन्होंने बात कही और ऑर्डर शीट में लिखवाया भी 5-5 लाख रुपए देने के लिए। और ये बढ़िया चीज़ है, ये बढ़िया चीज़ है। अब इसमें क्या है, ये जो बिल्डोजर बाबा का नाम आया है, ये उत्तर प्रदेश हमारे योगी बाबा जी की तरफ से आया। उन्होंने जितने भी क्रिमिनल थे, जो भी कर रहे थे, नुकसान कर रहे थे, गवर्नमेंट संपत्ति को हानि पहुंचा रहे थे, उसकी रिकवरी वो उनके घर परिवार से कर रहे थे, घर से तोड़ के, नुकसान से करके, जैसे भी है। पर ये मेरे हिसाब से, मेरा अपना मानना है कि किसी बंदे ने सजा की तो उसकी सजा उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए, उस बंदे से मिले, उस बंदे से रिकवरी कराओ, उससे दिन रात काम कराओ, उसको इतना टॉर्चर करो कि वो गलत काम करने से डरे और उसको देखा देखी और बिटरे। पर ये जो था, किसी बंदे का घर तोड़ दिया, ये टोटली रॉन्ग है और टोटली रॉन्ग है। बाकी जो भी है, देखो जज साहब अपना फैसला लेते हैं, जो सब अपना उनका अपना नजरिया है देखने का, किस तरीके से देख रहे हैं। उनके पास लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आम लोगों से ज़्यादा, क्योंकि उनके पास में 50 केस रोज के आते हैं, तो बढ़िया से जानते हैं इस चीज़ को। बता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दिल को टच की होगी और खुशी की लहर आई होगी लोगों में कि आज भी कुछ ऐसे जज हैं, जस्टिस हैं, जो जल्द से जल्द फैसला लेने की और जल्द से जल्द फैसला करने की सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कोर्ट से काम खत्म हो सके, नए केस आए, जो पेंडिंग केस है उनको रिजॉल्व किया जाए। बाय बाय, गुड नाइट।